क्चर फॉर फिजियोलॉजी टू जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरो रेगुलेशन ऑफ रिस्परेशन कल वाला जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था केमिकल रेगुलेशन और केमिकल कंट्रोल इसमें हमने उसमें हमने देखा था कि किस तरह से कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन्स रेगुलेट करिए रेस्परेशन को या फिर कंट्रोल करिए रेस्परेशन को उसमें जो अल्टीमेट चीज हमने देखी थी दैट वाज़ के कही कहीं ना कहीं इन सारे केमिकल्स की कंसेंट्रेशन जाके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट है और इन रिटर्न वो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो क्या कर है रेस्पिरेटरी सेंटर वेंटिलेशन को कंट्रोल कर है या फिर उसको रेगुलेट कर है

के अंदर आपका रेस्परेटरी सेंटर प्रेजेंट है ठीक है ये डायग्राम आपको ब्रेन स्टेम की शो हो रही है दिस पोर्शन इज पोर्शन ये वाला पोर्शन जो है दिस इज और ये जो निचले वाला पोर्शन है दिस इज मेड्यूला सो मेनली जो आपका पोन्स वाला पोर्शन है उसके अंदर एपन्यूस्टिक सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है जबकि आपका जो मेड्यूला पोर्शन है उसके अंदर दो तरह के ग्रुप ऑफ न्यूर प्रेजेंट है द वन इज डॉल्सर रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूर एंड द सेकेंड इजर रेस्परेटरी ग्रुप ऑफ न्यूर अब ये ग्रुप ऑफ न्यूर प्रेजेंट कहाँ पे एग्जैक्टली जो वेंटर रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूर है दैट इज प्रेजेंट विद इन न्यूक्लियस एम्बीगुअस दिस वन इज न्यूक्लियस एम्बीगुअस इसके अंदर वी आर जी प्रेजेंट है एक एंड द सेकेंड वन इज न्यूक्लियस रेट्रो एम्बीगुअस इसके अंदर भी वी आर जी ग्रुप ऑफ न्यूरान्स प्रेजेंट है जबकि अगर हम डी की बात करें न्यूरॉन्स की तो दीज आर प्रेजेंट विद इन एन टी एस दैट इज न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस इन मेनली दीज आर देंटर्स जिनके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है जो कि इंस्परेशन एंड एक्सपरेशन को कंट्रोल करते हैं उसको मैंटेन करते हैं जबकि जो पोन्स वाला पोर्शन है उसके अंदर दो सेंटर्स प्रेजेंट है द वन इज एपन्यूस्टिक सेंटर एंड द सेकेंड वन इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर वन वन बाय सारे सेंटर्स को डिस्कस करेंगे द फर्स्ट सेंटर द फर्स्ट इज द मेडिलरी कर लेते हैं मेडुलरी सेंटर्स में आपके पास दो चीजें आ जाती द वन इज डी आर जी द सेकेंड इज वी आर जी है आपके पास पॉन्टाइन सेंटर सेंटर के अंदर आपके पास आ जाते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर एंड न्यूमोटेक्सिक सेंटर सबसे पहले हम देख लेते हैं मेडलरी सेंटर्स को जिसके अंदर हम वी आर जी और डी आर जी को डिस्कस करेंगे सो so, जब भी हम डी आर जी न्यूरो की बात करते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की सो कीप इन योर माइंड कि मेनली दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन मेनली इंस्पायरेटरी न्यूरॉन इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है ठीक है जी और प्रेजेंट आपको लोकेशन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि दीज आर प्रेजेंट विद इन न्यूक्लियस पार्ट ऑफ है उनका फंक्शन क्या है जनरली वो एकटरी रैम सिग्नल जनरेट करते हैं ठीक है जी मेनली उसको आप कहते हैं कि बेसिक रिदम ऑफ रिस्परेशन जो है उसको जनरेट करने का काम इंस्पायरेटरी न्यूरो करें अब ये जो आपके पास डी आर जी न्यूरो ये मेली सेंसरी सिग्नल्स रिसीव करते हैं एक तो आपके पेरिफेरल केमोरिसेप्टर से जो कि आपकी कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज हैं सेकेंडली बैरोरिसेप्टर से रिसीव करते हैं सि सिग्नल्स एंड द थर्ड आर लंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स ठीक है लंग्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो कि सिग्नल भेजेंगे टू इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स तो ये इन तीन डिफरेंट रिसेप्टर से सिग्नल्स रिसीव करते हैं और इन रिटर्न इंस्पायरेशन जो है ये इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल उसको जनरेट करते हैं अब अगर हम देखेंगे व्हाट इज इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल बेसिकली इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल जो है दैट इज़ सो दर डिस्कसिंग इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल So, जब भी टरी ग्रुप को उन तीनों रिसेप्टर्स में से कोई भी आगे स्टिमुलेट करता है तो अल्टीमेटली वो जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, वो थ्रू नर्व स्टिमुलेट करते हैं डायफ्राम को एंड इन रिटर्न आपके पास सिग्नल जेनरेट होता है लेट मी शो यू द सिग्नल इस तरह का वो कुछ सिग्नल होता है जिसमें आपके पास क्या होता है कि इंस्पायरेशन स्टार्ट होती है एंड और स्टार्ट पे इंस्पायरेशन इज वीक बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ये देखिए आप लोग यहाँ पे वीक इंस्पायरेशन स्टार्ट हो रही है दिस वन और अल्टीमेटली आपके पास क्या होता है इट स्टेडिली इंक्रीज ठीक है और ये वाला जो आपके पास ये प्रोसेस चलता है इंस्पिरेशन का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये अप्रॉक्सीमेटली होता है टू सेकेंड का

और यहाँ पे अब आपके पास रहेगी दिस वन इज एक्सपायरेशन तो ये लास्ट करेगी अप्रोक्सीमेटली फॉर थ्री सेकेंड जो एक्सपायरेशन का सिग्नल था दैट लास्टेड फॉर टू सेकेंड जबकि जो आपके पास एक्सपायरेशन का सिग्नल है एक्सपायरेशन है दैट लास्टेड फॉर थ्री सेकेंड ठीक है अब एक्सपायरेशन में होता क्या है इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग एंड चेस्ट फॉल ठीक है चेस्ट वॉल और जो लंग्स हैं वो इलास्टिकली रिकॉल करेंगे और अल्टीमेटली जो भी इनहेल हुई थी एयर वो अब एक्सपायर हो जाएगी अगेन आपके पास जब तक ये न, जब तक ये न्यूरॉन स्टिमुलेटेड है तब तक क्या होता रहेगा आपके पास अगेन इंस्पायरेटरी सिग्नल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जनरेट होगा और स्टेडली वो इंक्रीज होता जाएगा टू सेकेंड्स के लिए रहेगा एब्रप्टली सीज करेगा एंड अगेन इट विल बी फॉलोड बाई एक्सपायरेशन सिमिलरली आपके पास अगेन इंस्पायरेशन एब्रप्ट सिजिशन एंड एक्सपरेशन फॉर थ्री सेकेंड्स सो बेसिकली दिस इज रेस्परेटरी इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है दिस वन इज इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल So I hope, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी अब इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सो आई होप आप लोग इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल जो है वो क्लियर होगा नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वेंट्रो रिस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरोपरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूर अगेन दैट इज प्रेजेंट इन मेड्यूलाटा एंटीरियर एंड लेटरल टू एन टी एस

कॉज करेंगे मसल्स को और रिलैक्स करने में जिसके रिजल्ट में आपके पास क्या होगी फोर्सफुल ब्रीदिंग ब्रीदिंग है वो इसके रिजल्ट में होगी सो वेंट्रो रिस्पिरेटरी ग्रुप में दोनों तरह की न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जबकि जो डॉर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप है इट जस्ट कंटेन्स इंस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स सो यहाँ पे uh, आपको इंस्पायरेटरी सेंटर्स मेडिला के दिखाए गए हैं दिस इज मिडलरी इंस्पायरेटरी रीजन दिस इज द कॉर्डल एक्सपायरेटरी रीजन ठीक है जी और यहाँ पे ये वाला जो उसने ऊपर शो किया हुआ है आपके हार्ट का पेस मेकर होता है इनिशियट करते हैं यहाँ पे भी आपके पास पेस मेकर होता है रेस्पिरेटरी सेंटर का और इस रेस्पिरेटरी सेंटर के पेस मेकर को आपको बोलते हैं दैट इज द बोर्डिंगर कॉम्पलेक्स सो ये बोर्डिंगर कॉम्पलेक्स जो है ये इनिशियट करता है ब्रीदिंग को दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ

ये जो आपके पास न्यूमोटेक्सिक सेंटर है इट ट्रांसमिट इम्पल्सिस टू द डीआर जी ठीक है जी जब ये डी आर जी को मैसेज भेजता है तो इसका मेन फंक्शन होता है क्योंकि डी आर जी यू नो वेरी वेल कि उसके अंदर इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो इंस्पायरेटरी रैम्प जो है उसको जनरेट कर रहा था इसका मेन फंक्शन होता है कि ये उस इंस्पायरेटरी रैम्प को स्विच ऑफ कर देता है ठीक है जी डॉल्सर रिस्परेटरी ग्रुप जो है सॉरी uh, जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर है वो सिग्नल भेजेगा टू डीआरजी और डीआरजी क्योंकि इंस्पिरेटरी रैंप जनरेट कर रहा था तो ये उस इंस्पिरेटरी रैंप को स्विच ऑफ कर देता है अब ये मैंने आपके पास एक नॉर्मल जो इंस्परेटरी रैंप है वो मैंने ड्रॉ किया था लेट मी शो यू कि कब जब न्यूरोटेक्सिक सेंटर सिग्नल भेजता है तो तब आपके पास क्या होता है उस केस में आपके पास क्या होगा कि इंस्पिरेशन This, और फिर ये एक्सपरेशन इंस्परेशन एक्सपरेशन अब यहाँ पे इट लिमिट्स द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपरेशन वो इंस्परेशन जो पहले दो सेकेंड तक चल रही थी अब वो इंस्परेशन जस्ट एक सेकेंड की रह जाएगी और इंस्पिरेशन क्योंकि एक्सपायरेशन टू से थ्री सेकेंड की थी अब यहाँ पे वो टू सेकेंड की हो जाएगी सो वन टू इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा इंस्परेशन हुई है एक्सपरेशन टू सेकेंड के लिए इंस्पिरेशन वन सेकेंड Expiration to second. So generally, यहाँ पे क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये इंस्पायरेशन को लिमिट कर inspiration को जो ड्यूरेशन है उसको लिमिट करे अब उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है अब वही वाली इंस्परेशन जो पहले लेट सपोज था ब्रीथिंग हो रही थी वो थ्री ब्रीथ से पर मिनट ठीक है लेकिन अब उस केस में फोर टू फाइव ब्रीथ आ जाएंगे पर मिनट ठीक है क्योंकि वो ड्यूरेशन कम का रहा है सो so जनरली आपके पास हो क्या रहा है यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो रहा है सो so उस केस में लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ट्वेल्व टू फोर्टीन ब्रीथ पर मिनट थे तो अब इस केस में थर्टी टू फोर्टी ब्रीथ पर मिनट हो गए हैं सो मेनली इट इंक्रीजेज द रिस्पारेटरी रेट सेकेंड इसमें आ जाता है एपन्यूस्टिक सेंटर एपन्यूस्टिक सेंटर भी पोन्टाइन सेंटर है ठीक है जी इट इज सिचुएटेड इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द लोअर पोन्स अब इसका जो मेन फंक्शन uh, ये जो है ना एपन्यूस्टिक सेंटर ये टॉनिकली एक्टिव रहता है ठीक है और इसका बिल्कुल अपोजिट फंक्शन है जो कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर के न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो डीआरजी को स्विच ऑफ कर रहा था ये उस स्विच ऑफ को प्रिवेंट कर रहा है ठीक है इस पर को मतलब जनरेट करवाने दे रहा है ये उस स्विच ऑफ को प्रिवेंट कर रहा है सो व्हाट डज इट मीन के जो आपके पास इपनियोस्टिक सेंटर है वो क्या कर रहा है वो भी डी आर जी पे एक्ट करके डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन को इंक्रीज करवा रहा है यहाँ पे देखें डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन न्यूमोटेक्सिक ने कम करवा दी थी जबकि जो न्यूस्टिक सेंटर है वो अगेन स्टिमुलेट कर रहे हैं इंस्पायरेटरी डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन जो है उसको क्या करवा रहा है इंक्रीज करवा रहा है सो नेक्स्ट ये देखें जी ये आपके पास है पोन्स के अंदर जो रिस्परेटरी सेंटर प्रेजेंट है पोन्स के अंदर मेजर दो सेंटर प्रेजेंट है बायोलिट्रियली अगर आप इसको देखें दिस इज न्यूक्लियस पैराब्रेकियालिस के अंदर प्रेजेंट है सेंटर ठीक है जो रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर प्रेजेंट है लोअर पोन्स के अंदर ये आपको उसको लोकेशन दिखा दी गई है सो so, अब यहां पे आपके पास आ जाता है कि किस तरह से जो रिस्पारेटरी सिग्नल्स हैं वो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो किस तरह से मिल के जो है वो काम कर रहे हैं अगर हम देखें मेडलरी uh, सेंटर्स का रोल देखें तो उसमें यू नो वेरी वेल के जो डी आर जी न्यूरोपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है अब uh, ये जाग ये जो आपके पास डी आर जी न्यूरॉन्स जो हैं वो सिग्नल जनरेट करें तो ये सिग्नल थ्रू फ्रीनिक एंड इंटरकोस्टल नर्व्स वो जा रहे हैं डायफ्राम के पास और वहाँ पे वो जाके इंस्पायरेशन कॉज करवा रहे हैं जिसमें आपने देखा है कि टू सेकंड की इंस्परेशन थी और दैट इज़ फॉलोड बाय एक्सपरेशन ऑफ थ्री सेकंड्स ठीक है और फिर आपके पास क्या हो जाता है जब स्विच ऑफ होता है ये रैम्प सिग्नल तो उसके रिजल्ट में आपके पास एक्सपायरेशन हो जाती है सो so, नॉर्मली आपके पास क्या होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन दरअसल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो इनहिबिट करते हैं एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स ऑफ फेंट्रल ग्रुप ठीक है मतलब नॉर्मली ये आपके पास काम चल रहा होता है कि जब इंस्पायरेशन होगी तो तब एक्सपायरेशन नहीं होगी जब इंस्पायरेशन चल रही होगी तो वो एक्सपायरेटरी न्यूरॉन को इनहिबिट कर रहे होंगे और अपोजिट क्या होगा कि जब एक्सपायरेशन चल रही होगी तो एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स जो डी के इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स हैं उनको इनहिबिट कर रहे होंगे सो इस तरह से जो मेडलरी इंस्पायरेटरी सेंटर्स हैं वो एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं इंस्पायरेशन हो रही होगी तो एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे एक्सपायरेशन हो रही होगी तो इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे इज दैट क्लियर सेकेंड आपके पास इसमें ये देखें इंटरेक्शन यहाँ पे उसने दिखाया हुआ मेन आपके पास जो आपके पास आ जाता है दैट इज एपन्यूस्टिक सेंटर मैंने अपन्यूस्टिक सेंटर को आपको बताया कि दैट इज टॉनिकली एक्टिव ठीक है इसने एक्टिव रहना है और आपको पता है कि म्यूस्टिक सेंटर किसको जाके एक्टिवेट करता है डीआरजी को डीआरजी के अंदर कौन सी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है सो इसका मतलब है क्या कॉज करवाता है इंस्पायरेशन को और आपको पता है कि जब डीआरजी के इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे तो वो इनहिबिट करते हैं एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स को और जब एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक्टिव होते हैं तो वो इनहिबिट करते हैं इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स को सो इसका मतलब है कि जब भी एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन हो रही हो रही है तो उस केस में आपके पास जो तो एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स हैं वो इनहिबिट होंगे दैट क्लियर अब वंस ये जो आपके पास एपन्यूस्टिक सेंटर है इसने इंस्पायरेशन कॉस करवा दिया है अब इसको इनहिबिट करने वाला कौन है न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्योंकि आपको पता है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर डीआरजी के इंस्पायरेटरी को स्विच ऑफ कर रहा था ठीक है सो न्यूमोटेक्सिक सेंटर इनहिबिट करेगा एपन्यूस्टिक सेंटर को क्योंकि अल्टीमेटली यही तो है जो इंस्पायरेटरी सिग्नल्स को एक्टिवेट कर रहा है ये एपन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट करेगा जिसके रिजल्ट में आपके पास क्या होगा जब एपन्यूस्टिक सेंटर इनहिबिट होगा तो इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स इनहिबिट होंगे इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स इनहिबिट होंगे तो क्या होगी एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे और एक्सपायरेशन जो है वो होगी इस केस में इज दैट क्लियर आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मैंने आपको बताया था जो पेसमेकर uh, है रेस्पिरेटरी सेंटर का दैट इज प्री बोर्ड सिंगल कॉम्प्लेक्स इसको आप सी पी जी भी बोलते हैं दैट इज सेंट्रल पैटर्न जनरेटर ठीक है अंदर प्रेजेंट होते हैं ये रिदमिक डिस्चार्ज uh, के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएशन ऑफ रिदमिक रिस्पेरेशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अब ये जो प्री बोर्ड सिंगर कॉम्प्लेक्स है दैट इज प्रेजेंट इन मिड्यूला ठीक है बिटवीन द न्यूक्लियस इंडस और जो लेटर ले, रेटिकुलर फॉर्मेशन है ऑन इद, इधर साइड ऑफ द मेड्यूला वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है ठीक है जी जो डी आर जी और वी आर जी दे प्रोजेक्ट टू की बोर्ड जिंगर कॉम्प्लेक्स और इसका अल्टीमेटली फंक्शन होता है कि ये रिदमिक इम्पल्स भेजता है टूवर्ड थ्रू द फ्रीनिक नर्व टूवर्ड द डायफ्राम और फिर जो ब्रीदिंग है उसको इनिशिएट करवाता है ठीक है इसका इंस्पायरेशन जो है वो उसको इनिशिएट करवा रहा है थर्ड आ जाते हैं इसमें पोंटाइन सेंटर्स का रोल सो so, पॉन्टाइन सेंटर्स मेनली रेगुलेट करें मिडलरी सेंटर्स को आपने देखा है कि एपन्यूस्टिक सेंटर जो है वो डीआरजी का जो एपन्यूस्टिक सेंटर डीआरजी आर जी के इंस्पायरेटरी न्यूरो को स्टिमूलेट करें और इंक्रीज करें इंस्पायरेशन को ठीक है जबकि न्यूमोडेक्सिक सेंटर जो है वो इन्हीबिट करें एपन्यूस्टिक सेंटर को जिसकी वजह से क्या होगा इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा होप दिस इज क्लियर टू यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख देख लेते हैं कि अगर ब्रेन स्टेम का जो है उसके उस पर डिफरेंट सेक्शंस को कट किया जाए या ट्रांजेक्शन की जाए तो पैटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा लेट मी रेज दिस एक्सपायरेटरी रैम फर्स्ट तो so, फर्स्ट आप यहाँ पे देखें आ, आपके पास फर्स्ट कट उसने लगाया पे सुपर पे मिड वाली साइड फर्स्ट कट अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें सारे के सारे जो सेंटर्स हैं दीज आर इंटैक्ट उसमें किसी भी सेंटर को चाहे वो पोन्स का सेंटर है चाहे वो मेड्यूला का सेंटर है उसको कट नहीं किया जा रहा तो इसका मतलब है कि रेस्पारेटरी सेंटर इज ओके तो अल्टीमेटली जो रेस्परेटरी रेट होगा ये रेस्पिरेशन होगी वो भी नॉर्मल होगी सो so, यहाँ पे आपके पास है कि दिस इज नॉर्मल नॉर्मल जो आपके पास जो क्वाइट ब्रीदिंग जो है वो हो रही है रेस्पेरेशन रेट इज नॉर्मल साथ में उसने डायग्राम दी हुई दी है की, इन की इनकेस अगर आप जो वेगस है वेगस को वेगस को जो है उसको कट कर देते हैं तो तब इफेक्ट क्या पड़ेगा अभी आपने मेड्यूला के किसी भी पोर्शन को कट नहीं किया लेकिन जस्ट आप वेगस को कट कर रहे हैं तो उस वेगस के कट की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है सो so, इसमें मेन जो चीज आपने देखनी है वो ये है कि एपन्यूस्टिक सेंटर जो है उसका फंक्शन आप लोग देख चुके हैं न्यूमोटेक्सिक सेंटर का फंक्शन भी आप देख चुके हैं न्यूमोटेक्सिक आपने देखा है कि वो स्विचिंग करवा रहा है आ, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की लाइक like इंस्पायरेशन हो रही है तो वो इंस्पायरेटरी सिग्नल को इनहिबिट कराए ताकि क्या हो एक्सपायरेशन हो तो वो स्विचिंग करा रहा है एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की सो द सेम फंक्शन इज ऑफ वेगस नाफ ठीक है वेगस का भी बिल्कुल यही वाला काम है अब वेगस भी स्विचिंग करवाती है लेट सपोज जब वेगस इन टैक्ट थी न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी था तो उन यहाँ तक इंस्पायरेशन हुई और यहाँ पे जाके उन दोनों ने कट करवा दिया ताकि क्या हो एक्सपायरेशन हो अगेन इंस्पायरेशन हुई कट करवा दी एक्सपायरेशन हो अब देखें अगर हमने वेगस को कट कर दिया है तो अब इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सिग्नल को स्विच ऑफ करने के लिए जो स्न्यूमो टेक्सिक सेंटर रह गया उस केस में अब आपके पास क्या होगा अब जो सिग्न जो रिदम यहाँ पे जाके कट हो रहा था वो आप थोड़ा ऊपर जाके कट होगा क्योंकि अब एक कट करवाने वाला है एक स्विच ऑफ करने वाला है इंस्पायरेशन को ठीक है सो अब इसका मतलब है कि जो रे ब्रीदिंग है वो डीप हो जाएगी ठीक है जो रेस्पिरेशन है वो डीप हो रही है और ब्रीदिंग का जो रेट है वो कम हो रहा है ठीक है डीप ब्रीदिंग हो रही है इस केस में सेकंड आपके पास है कि आप कट कर हैं यहाँ पे जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है न्यूमोटेक्सिक सेंटर प्रेजेंट है आपको पता है कि अगर न्यूमोटेक्सिक सेंटर को आप कट कर हैं तो उस केस में अगेन यही वाली चीज होगी क्योंकि आपने क्या किया है आप दोबारा एक सेंटर बस की स्विच ऑफ करने के लिए दोबारा से क्या होगा थोड़ा ऊपर जाके सिग्नल काट होगा लेकिन अगर साथ ही आप वेगोटोमी भी कर रहे हैं वेगस को कट कर रहे हैं तो ना तो आप न्यूमोटेक्सिक सेंटर है और ना ही आपके पास क्या है वेगस है जो कि कट करे इंस्पायरेटरी सिग्नल को तो क्या हो जाएगा इंस्पायरेशन होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी ठीक है बहुत लेट जाके जो है वो एक्सपायरेशन होगी सो इसकी वजह से न्यूसिस हो जाएगा न्यूसिस होता है इंस्पायरेटरी स्पैज्म हो गया द थर्ड कट अगर आप लोग यहाँ पे लगा रहे हैं तो यहाँ से आप कट कर, करें अपनियोस्टिक सेंटर को और अपनियोस्टिक सेंटर का फंक्शन क्या होता है अपनियोस्टिक सेंटर कॉज करवाता है इंस्पायरेशन ठीक है so, सो इसका मतलब तो ये है कि इंस्पायरेशन होनी नहीं चाहिए लाइक like, क्योंकि ये क्या कर रहा था अप्यूटिक सेंटर इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स को स्टमुलेट कर रहा था तो इंस्पायरेशन तो होने ही नहीं चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होगा इंस्पायरेशन होगी लेकिन वो बहुत रेंडम होगी अब इंस्पायरेशन क्यों होगी यहाँ पे एक मेजर टेक्निकल क्वेश्चन आता है कि देखें अगर हम इंस्पायरेशन करवा ये रहा था तो हम क्यों कह रहे हैं कि इंस्पायरेशन होगी चाहे वो रेंडम है लेकिन हो तो रही है सो बेसिकली द पॉइंट इज के जो पेस मेकर है डेट इज द प्री बोर्ड सिंगर कॉम्प्लेक्स डेट इज लोकेटेड विद इन मिड्यूला ठीक है सो so, मिड्यूला में प्रेजेंट क्योंकि वो तो इनिशिएट करवा सकते हैं चाहे वो जिस तरह से तो प्रॉपर ना हो रिदमिक ना हो लेकिन वो इनिशिएट करवा रहे हैं ठीक है पेस मेकर है तो वो इनिशिएट करवा सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा ब्रीदिंग जो है वो होगी ठीक है सो so नेक्स्ट अगर आपके पास है कि आप अगर कट कर रहे हैं इसको यहां से ठीक है मेड्यूला भी आपने कट कर दिया ऊपर से सब कुछ काट है नीचे से मेड्यूला भी कट कर दिया आप देखें पेस मेकर भी नहीं रहा वीआरजी भी नहीं रहा डीआरजी भी नहीं रहा तो देर वुड बी नो रिस्पिरेशन सो बेसिकली दिस इज हाउ आपके जो न्यूरो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं आपके रेस्परेशन या रेस्पिरेटरी रेट को आई होप दिस इज क्लियर अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क ठीक है आप व्हाट्सअप ग्रुप में उनको क्वेश्चन को भेजें क्यूरीज को भेजें आई विल रिस्पॉन्ड टू यर क्यूरीज